Hello students, in the last video, we have studied about the classification of signals. In today's video, we will continue our topic of classification of signals. And the next classification we will study is even and odd signal. Okay, and this classification is very important also for examination point of view. Okay, because there are lots of numerical in this classification. जो लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन स्टडी किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरीज थी, ठीक है ना, लाइक कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल एंड यू कैन से डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल. हमने सिर्फ थ्योरिकल एनालिसिस किया था. जो आज हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल, ठीक है, उसमें हम मेनली थ्योरी तो एनालिसिस करेंगे ही, साथ साथ में हम न्यूमेरिकल्स का भी एनालिसिस करेंगे. ओके, तो इवन एंड ऑड सिग्नल्स, तो इवन और ऑड सिग्नल आपके क्या होते हैं. तो अगर सपोज करिए आपका कोई सिग्नल एक्स टी है और वो एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल है तो आप बोलेंगे सिग्नल आपका इवन सिग्नल है. सिमिलरली आप डिस्क्रीट के लिए भी बोल सकते हैं, अगर आपका एक्स एन एक्स ऑफ माइनस एन के इक्वल है देन यू कैन से इवन सिग्नल. और इवन सिग्नल को हम लोग सिमिट्रिक सिग्नल के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो ये आपका कंटिन्यूअस के लिए भी फॉर्मूला है और डिस्क्रीट के लिए भी बिल्कुल सेम है. अगर आप t की जगह माइनस टी पुट करें और आंसर आपका सेम रहे, या आप n की जगह माइनस n पुट करें और आंसर सेम रहे, देन सिग्नल इज कॉल्ड इवन सिग्नल. ओके, जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं यहां पर, सपोज करिए एक्स टी आपको गिवन है कॉस टी, ठीक है, तो अगर आप यहां पर एक्स ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा ही होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस टी ही आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं यहां पर जो एक्स टी है वो एक्स ऑफ माइनस टी के क्या है, आपका इक्वल है. क्लियर है अच्छे से, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, एक्स टी इवन सिग्नल हो जाएगा. ओके, जैसे सपोज करिए अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहां पर और एक फिगर कंसिडर कर लूं, देखिए इस फिगर में आपका सिग्नल जो है वो माइनस टू से प्लस टू तक है. ओके, तो आपका सिग्नल जो एक्स टी है अगर मैं उसके लिए x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करूं तो आपको पता है जब भी आप x ऑफ माइनस टी करते हैं तो जो आपका सिग्नल है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, पलटी खा जाता है, हमको पता है अच्छे से. दैट मीन्स ये जो प्लस टू है वो माइनस टू बन जाएगा, माइनस टू जो है वो प्लस टू बन जाएगा. तो आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही आप x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करेंगे आपका सिग्नल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. दैट मीन्स ये सिग्नल भी आपका क्या है, इवन सिग्नल है. ओके, क्लियर है अच्छे से. नाउ अब अगर मैं ऑड सिग्नल के बारे में आपको बताऊं तो अगर सपोज करिए आप एक्स ऑफ माइनस टी करें और आपको माइनस एक्स टी मिल जाए, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं अगर आप एक्स ऑफ माइनस एन करें और आपको माइनस एक्स एन मिल जाए, तो आप इस तरीके के सिग्नल को बोलते हैं ऑड सिग्नल और एंटी सिमिट्रिक सिग्नल. ओके, तो ऑड सिग्नल और एंटी सिमेट्रिक सिग्नल. क्लियर है अच्छे से. जैसे आप सपोज करिए एक अगर मैं एग्जांपल लूं यहां पर, एक्स टी इज इक्वल टू साइन टी, तो एक्स ऑफ माइनस टी कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ माइनस टी, एंड साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है ना, मतलब जो आपका एक्स ऑफ माइनस टी है वो इक्वल आ रहा है माइनस एक्स टी के. That means आप क्या बोलेंगे, ये सिग्नल क्या है आपका, ऑड सिग्नल है. क्लियर है अच्छे से. अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल लूं आपके लिए, सपोज करिए आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है ना, एक्स टी का, और ये एक्स टी सिग्नल आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ है, पॉजिटिव साइड एम्पलीट्यूड वन है और नेगेटिव साइड एम्पलीट्यूड माइनस वन है. वैसे तो हम इस सिग्नल से फैमिलियर है, दैट इज योर सिग्नम सिग्नल. अगर मैं अब इसे चेक करूं कि ये इवन है कि ऑड है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एक्स ऑफ माइनस टी. जब भी आपको कोई सिग्नल डायरेक्ट समझ में ना आ रहा हो कि वो इवन है कि ऑड है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना चालू कर दें. तो एक्स ऑफ माइनस टी अगर आप करते हैं तो हमें पता है जब एक्स ऑफ माइनस टी होता है तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में बन जाएगा, जो राइट साइड में बना है वो आपका लेफ्ट साइड में बन जाएगा, तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है. तो ये बन गया हमारा x ऑफ माइनस टी. क्या अब आप चेक करिए एक्स टी एक्स ऑफ माइनस टी के इक्वल है क्या यहां पर, अगर इक्वल हो जाएगा तो सिग्नल इवन हो जाएगा, पर हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक्स टी जो है
वो x ऑफ माइनस टी के इक्वल नहीं है, दैट मींस ये इवन सिग्नल तो नहीं है, ठीक है। अब ऑड सिग्नल के लिए हमको क्या करना होता है कि एक और माइनस साइन लगाना होता है, चाहे तो आप xt के सामने लगा दीजिए, चाहे तो माइनस एक्स माइनस टी के सामने लगा दीजिए। ओके, सपोज करिए अगर मैं यहां पर माइनस एक्स माइनस टी कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, तो आप देखेंगे जब भी टाइम में माइनस होता है ना, तो मैंने आपको सिखाया है कि लेफ्ट को राइट बना दीजिए, राइट को लेफ्ट बना दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर x के सामने माइनस लगा है, दैट मींस एम्पलीट्यूड में माइनस है, तो आप क्या करिए, जो ऊपर बना है फिगर उसे नीचे बना दीजिए, जो नीचे बना है उसे ऊपर बना दीजिए, तो माइनस एक्स माइनस टी कितना हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है। क्या एक्स टी जो है वो माइनस एक्स माइनस टी के इक्वल है? यस, आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्स टी है वो माइनस एक्स माइनस टी के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है आपका, ये कौन सा सिग्नल है? ऑड सिग्नल है। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप इवन या ऑड सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर, देखिए ये एग्जांपल में आपको रैंप सिग्नल गिवन है, ठीक है, और इस रैंप सिग्नल में आपको बताना है कि ये रैंप सिग्नल जो है वो इवन है कि ऑड है। ओके, तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले x ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करूं, अगर x ऑफ माइनस टी xt के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? इवन। तो x ऑफ माइनस टी क्या होगा, जो सिग्नल मेरा राइट साइड है वो सेम किस तरफ बन जाएगा? लेफ्ट साइड। तो ये मेरा बन गया x ऑफ माइनस टी। तो क्या xt और x ऑफ माइनस टी इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो ये सिग्नल आपका इवन तो नहीं है। अब अगर मैं यहां पर माइनस एक्स माइनस टी बना लूं, तो आप देखिए क्या होगा, जो ऊपर बना है वो नीचे बन जाएगा, तो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या xt जो है वो माइनस एक्स माइनस टी के इक्वल है? ये भी नहीं है, तो सिग्नल आपका ऑड भी नहीं है, तो ये सिग्नल ना तो इवन है ना ही ऑड है, इसलिए इस तरीके के सिग्नल्स को हम बोलते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो आपकी थ्री टाइप्स के पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है कि इवन हो, एक हो सकता है ऑड हो, और एक हो सकता है नाइदर इवन नॉर ऑड हो, ठीक है, क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर आप कुछ अब प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल की। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो आप देखिए ध्यान से, जैसे हमने इवन सिग्नल का एग्जांपल दिया था यहां पर, तो आप देख सकते हैं ये जो xt आपका इवन सिग्नल है वो सिमिट्रिकल है बिल्कुल y एक्सिस के, तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इवन सिग्नल इज सिमिट्रिकल, ओके, अबाउट y एक्सिस। इवन सिग्नल इज सिमिट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है अच्छे से? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑड सिग्नल किसके सिमिट्रिकल होता है आपके, देखिए यहां पर ये हमने ऑड सिग्नल का एग्जांपल दिया था सिग्नम टी, आप देखिए ना तो ये y एक्सिस के सिमिट्रिकल है और ना ही ये x एक्सिस के सिमिट्रिकल है, आप देख सकते हैं, तो ये किसके सिमिट्रिकल है? ध्यान से देखिए, ये आपका ओरिजिन के सिमिट्रिकल है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है ना, अगर कोई सिग्नल आपका राइट साइड में पॉजिटिव हो और सेम शेप आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव बना हो, या लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो और सेम शेप आपका राइट साइड में पॉजिटिव बना हो, तो इट इज सिमिट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो जो आपका ऑड सिग्नल है वो होता है सिमिट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्लियर है अच्छे से? तो ये होता है इवन एंड ऑड सिग्नल की सिमिट्रिसिटी। इवन सिग्नल इज ऑलवेज सिमिट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड सिग्नल इज ऑलवेज सिमिट्रिकल अबाउट ओरिजिन। नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं एक, जिससे आपको प्रॉपर्टीज को याद रखने में बहुत आसानी होगी। देखिए, अगर आप इवन सिग्नल को एज अ पॉजिटिव नंबर ले लें और ऑड सिग्नल को एज अ नेगेटिव नंबर ले लें, अपने दिमाग में सिर्फ आपको मन में ऐसा सोचना है कि इवन सिग्नल मतलब पॉजिटिव नंबर, ऑड सिग्नल मतलब नेगेटिव नंबर। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आगे आने वाली जो 4 to 5 प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, वो आपको डायरेक्टली समझ में आएगी। तो आप देखिए, इवन प्लस इवन, अगर इवन सिग्नल और इवन सिग्नल को ऐड किया जाए, या आप ऐसे सोचिए
दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 होगा, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, प्लस, दैट इज इवन, इवन मतलब प्लस। नाउ ऑड प्लस ऑड, आप सोचिए अगर दो नेगेटिव नंबर को ऐड किया जाए, दैट इज माइनस 6 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 11, दैट मींस आंसर माइनस में आएगा, मतलब क्या होगा, ऑड होगा। ओके तो इवन प्लस इवन इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज ऑड। नाउ अगर मैं इवन प्लस ऑड करूं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, देखिए अगर आप एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सोचिए जरा। मान लीजिए अगर आप प्लस 6 और माइनस 3 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3, लेकिन अगर आप प्लस 3 माइनस 6 करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस 3। तो जब तक आपको दोनों नंबर का नॉलेज ना हो तब तक आप नहीं बता सकते कि इवन और ऑड को ऐड करने से आपका क्या आएगा, या प्लस और माइनस को ऐड करने से क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम नॉट प्रेडिक्टेबल डाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इवन इनटू इवन, मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 6 इनटू प्लस 3 क्या होगा, प्लस 30, मतलब पॉजिटिव आएगा तो इवन ही आएगा। अब अगर मैं बोलूं आपको ऑड इनटू ऑड, अगर आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, माइनस 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 30 होगा, मतलब प्लस में आंसर आएगा, मतलब इवन आएगा। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर आप यहां पर एक इवन और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, मतलब एक नंबर आपका पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, माइनस 6 इंटू प्लस 5 माइनस 30 होगा, मतलब आंसर आपका माइनस में आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान के चलिए आप अगर किसी इवन सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, सपोज करिए आपका सिग्नल है cos t, cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin t, और sin t क्या है, ऑड है। दैट मींस जब भी आप इवन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ऑड मिलेगा, सिमिलरली जब भी आप ऑड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपको इवन मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप sin t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos t मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एक और पॉइंट समझिए आप, जैसे सपोज करिए अगर आप करते हैं माइनस ए टू ए एक्स टी डी टी, ओके, और मैं यहां बता रहा हूं आपको कि एक्स टी जो है इज ऑड, ठीक है, तो एक्स टी अगर ऑड है, मतलब अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, आपका एरिया होता है, अगर आप ऑड का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए आप ध्यान से बिल्कुल, जो हमने ऑड वाला एग्जाम्पल लिया था यहां पर, अगर आप इस पूरे फिगर को माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक इंटीग्रेट अगर कर दें तो आप देखिए माइनस इनफिनाइट से जीरो तक एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस वन, और जीरो से इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड कितना है, प्लस वन, मतलब माइनस इनफिनाइट से जीरो टोटल टाइम कितना हो गया, इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी टोटल टाइम कितना हो गया, फिर से इन्फिनिटी, तो माइनस इनफिनाइट से जीरो तक माइनस वन है एम्पलीट्यूड, और जीरो से इन्फिनिटी तक एम्पलीट्यूड कितना है आपका, प्लस वन है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो ऑड सिग्नल होता है उसका टोटल एरिया ऑलवेज क्या होता है, आपका जीरो होता है। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सेम चीज मैं इवन सिग्नल के लिए बोलूं, ठीक है ना, एक्स टी डी टी इंटीग्रेशन हुआ है एक्स टी का आपका, और मैं यहां मान के चल रहा हूं कि एक्स टी जो है वो इवन है, तो क्या होगा, आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम इवन के केस में। अगर आप इवन का फिर से एग्जाम्पल यहां पर देखें, जो आपने देखा था यहां पर, तो देखिए एक रेक्टेंगल पल्स का आपने एग्जाम्पल देखा था, माइनस टू से प्लस टू है, ठीक है, आप देखिए वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी फिगर का शेप बिल्कुल सेम है, तो अगर यहां पर आप टू इंटू जीरो टू टू निकाल लेते फिर भी आंसर वही रहता। देखिए अगर आप इंटीग्रेशन करिए माइनस टू से प्लस टू, या आप जीरो से टू तक दो बार कर लीजिए, मतलब वही रहेगा। तो इसका क्या मीनिंग है, इवन के केस में आप लिख सकते हैं टू इंटू जीरो टू ए एक्स टी डी टी। ओके क्लियर है अच्छे से। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इवन एंड ऑड सिग्नल्स की। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट एक नोट कंसिडर करूं,
ठीक है, सपोज करिए मैं एक नोट ले रहा हूं आपके लिए, मान लीजिए मैं XT ले रहा हूं जो कि ना तो इवन सिग्नल है ना ही ऑड सिग्नल है, तो इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि इवन पार्ट भी है और ऑड पार्ट भी है, ओके इक्वेशन वन दे रहा हूं इसे मैं एक XT ले रहा हूं यहां पर जिसमें इवन पार्ट भी प्रेजेंट है और ऑड पार्ट भी। इवन और ऑड पार्ट तभी प्रेजेंट हो सकता है जब आपका सिग्नल जो है वो क्या हो, आपका नाइदर इवन नॉर ऑड हो, ओके अब अगर यहां पर मैं टी की जगह माइनस टी पुट कर दूं पूरे इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई माइनस टी प्लस एक्स ऑफ ओ माइनस टी, ओके अब आप देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एक्स ऑफ माइनस टी, ओके अब आप देखिए इवन में जब टी की जगह माइनस टी पुट करते हैं तो क्या होता है, सेम रहता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन, सेम। जब ऑड में टी की जगह माइनस टी पुट करते हैं तो माइनस सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं आप पीछे डेफिनेशन में, ठीक है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स ओ टी, ठीक है ना। आप एग्जांपल देख लीजिए, साइन ऑफ माइनस टी, साइन टी था उसमें आप साइन ऑफ माइनस टी करिए तो माइनस सामने आ जाएगा, माइनस साइन टी, ओके तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब अगर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दें, ठीक है ना, वन प्लस टू, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, आप देख सकते हैं अगर इक्वेशन वन और टू को ऐड किया जाए तो एक्स ऑफ ओटी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू टू एक्स ऑफ ई टी, दैट मीन्स एक्स ऑफ ई टी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय टू, ओके तो ये इसके थ्रू हमने यहां पर फॉर्मूला कैलकुलेट किया है कि अगर हमें कोई सिग्नल एक्स टी दिया हो जो कि नाइदर इवन हो नॉर ऑड हो तो उसमें से हम इवन पार्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके सेम अगर मैं वन माइनस टू कर दूं यहां पर, वन माइनस टू के केस में देखिए आप एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स ऑफ ओ टी, ओके तो यहां से आपका एक्स ऑफ ओ टी का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाय टू, ओके तो यहां से हम लोग उस सिग्नल एक्स टी का ऑड पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। तो जो ये फॉर्मूले हमने लिखे हैं इवन और ऑड पार्ट के कैलकुलेशन के लिए, सेम फॉर्मूले आपके वैलिड होते हैं डिस्क्रीट के केस में, तो डिस्क्रीट में आप लिख देंगे एक्स ऑफ इवन एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाय टू, सिमिलरली एक्स ऑफ ओ एन या ऑड एन हो जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाय टू, ओके तो जो फॉर्मूले आपने कंटिन्यूअस के लिए देखे बस आप टी की जगह एन रख दीजिए, सेम फॉर्मूले आपके डिस्क्रीट के लिए भी आ जाएंगे, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जब भी कोई सिग्नल जो कि नाइदर इवन हो या नॉर ऑड हो तो हम किस तरीके से उसका इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर मैं एक सिग्नल अब कंसीडर कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, ये रहा मेरा सिग्नल, ये है आपका सिग्नल, ठीक है, जीरो टू टू तक है, ओके और ये एक्स टी हो गया, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड हम ले लेते हैं थ्री, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल ना तो आपका इवन है ना ही ऑड है। इवन के लिए मैंने क्या समझाया है, जितना लेफ्ट साइड हो उतना राइट साइड हो, ठीक है ना, मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो। ऑड के लिए मैंने क्या सिखाया है, ओरिजिन के सिमेट्रिकल हो, मतलब लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में सेम शेप नेगेटिव होना चाहिए, और अगर आपका राइट साइड में पॉजिटिव है जो कि यहां पर है आपका, तो लेफ्ट साइड में सेम शेप आपका नेगेटिव, मतलब यहां पर कोई सिग्नल होना चाहिए था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन के सिमेट्रिकल, पर वो यहां पर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल ना तो इवन है ना ही ऑड है। तो अब अगर मैं इसका इवन पार्ट कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय टू, ओके दैट मींस देखिए एक्स टी तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑफ माइनस टी कैलकुलेट कर लें, ओके तो एक्स ऑफ माइनस टी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है आपको पता है, यहां पर जस्ट आपका फिगर जो है वो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा, मतलब जो टाइम टू है
वो क्या बन जाएगा माइनस टू, ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको एक्स टी और एक्स ऑफ माइनस टी दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करना है टू, तो ये जो डिवाइड बाय टू करना है ना वो आपको एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय टू करना है, ठीक है ना। तो पहले आप डिवाइड बाय टू के बारे में वरी मत करिए, पहले आप सिर्फ दोनों सिग्नल को ऐड कर लीजिए। तो आप देखिए ये जो एक्स टी है वो जीरो से टू तक कितना है थ्री है, और ये जो एक्स ऑफ माइनस टी है वो जीरो से टू तक कितना है जीरो है। तो जब आप ऐड करेंगे इसे दोनों सिग्नल को तो जीरो से लेकर टू तक, ठीक है, थ्री प्लस जीरो, ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर नेगेटिव साइड में एक्स टी पूरा जीरो है और एक्स ऑफ माइनस टी क्या है जीरो से माइनस टू तक थ्री है, तो जीरो प्लस ये थ्री वाला जो एम्पलीट्यूड है एक्स ऑफ माइनस टी का, आंसर क्या आ जाएगा जो एक्स ऑफ माइनस टी का शेप है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल यहां पर बन जाएगा एक्स इवन टी के लिए, ओके। बट एक्स ऑफ इवन टी कंप्लीट कब होगा, ये जब आप डिवाइड बाय टू कर देंगे। तो आपको डिवाइड बाय टू किसको करना है, आपको डिवाइड बाय टू करना है एम्पलीट्यूड को, ओके। तो यहां पर आप जो थ्री आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है उसकी जगह आप लिख दीजिए थ्री बाय टू, क्लियर है अच्छे से। तो ये बन गया आपका एक्स ऑफ इवन टी। नाउ अगर मैं अब जाऊं एक्स ऑफ ऑड टी की तरफ, तो एक्स ऑफ ऑड टी आपका कैसे ड्रॉ हो सकता है, देखिए एक्स ऑफ ऑड टी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स टी को माइनस करना है एक्स ऑफ माइनस टी से, ओके, क्लियर है, फॉर्मूला यही है ना ऑड टी का। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए वापस से, एक्स ऑफ ओ टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाय टू, ओके। तो आप सबसे पहले माइनस करने में ध्यान दीजिए, अगेन आप देख सकते हैं एक्स टी जहां पर प्रेजेंट है एक्स ऑफ माइनस टी प्रेजेंट नहीं है, तो जब आप एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी करेंगे तो सेम एक्स टी वाला शेप बन जाएगा पॉजिटिव साइड में, ओके। तो यहां पर आप देख लीजिए फिगर कैसा हो जाएगा आपका, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक्स ऑफ ओ टी, ओके, तो पॉजिटिव साइड में तो एक्स टी का ही शेप बन जाएगा जीरो से लेकर टू तक और एम्पलीट्यूड थ्री, ओके। बट नेगेटिव साइड में आप देखिए जो शेप है आपका वो एक्स ऑफ माइनस टी का ही बनेगा सिर्फ और सिर्फ, बट आपको ध्यान रखना है कि आप एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी कर रहे हैं, तो एक्स टी जो जीरो है तो जीरो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, मतलब शेप तो एक्स ऑफ माइनस टी का ही बनेगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ये जो थ्री है आपका माइनस थ्री हो जाएगा, सामने आपका साइन क्या है माइनस है, तो इस तरीके का आपका फिगर बन जाएगा, ओके, कहां से जीरो से लेकर माइनस टू तक। और आप देख भी सकते हैं कि जो आपका इवन पार्ट बना है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, और जो ऑड पार्ट बना है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, जो होना था आपका, आपको पता है इवन सिग्नल इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड ऑड सिग्नल इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका बन गया एक्स ऑफ इवन टी एंड एक्स ऑफ ऑड टी। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट काम है कि एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय टू ऑलवेज, ठीक है ना, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3 बाय 2 एंड माइनस 3 बाय 2, क्लियर। अगर आप इन दोनों को अब ऐड कर दें जो कि आपके लिए होमवर्क है, तो आपको वापस से एक्सटी मिल जाएगा, क्लियर है अच्छे से। तो ये होता है हमारा इवन एंड ऑड पार्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं इवन एंड ऑड सिग्नल का। इवन एंड ऑड पार्ट कैलकुलेशन हमने सीख लिया, मैं आपको इवन एंड ऑड सिग्नल का एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिंपल बेसिक एग्जाम्पल। सपोज करिए आपको एक डिस्क्रीट सिग्नल गिवन है, ठीक है, एन इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट एक्स स्क्वायर एन, ओके, और आपको गिवन है कि जो एक्स एन है वो एक्स ऑफ इवन एन है प्लस एक्स ऑफ ऑड एन है, ओके, तो बोल रहा है कि इस समेशन को आप एक्सपांड करके दिखाइए इन टर्म्स ऑफ इवन एन एंड ऑड ऑफ एन, ओके। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर एन की वैल्यू पुट कर दूं अगर मैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा एन माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स इवन स्क्वायर एन प्लस एक्स ऑफ ऑड स्क्वायर एन हो जाएगा, ओके, प्लस क्या हो जाएगा टू एक्स ऑफ इवन एन
into odd n, okay, x of odd n, clear है अच्छे से, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर, देखिए, जो properties आपने integration के लिए पढ़ी हैं, that means continuous time signal के लिए पढ़ी है, even and odd signal में, same properties आपकी applicable होंगी, discrete time के लिए, summation के लिए, ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पर even into even, कितना हो जाएगा, even, और even का summation क्या होता है आपका, आप क्या लिख सकते हैं, जैसे integration को आपने क्या लिखा था, अगर limit आपकी minus a to a थी, तो आप क्या लिख सकते थे, 2 into 0 to a, clear है अच्छे से, मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये part जो है वो आपका 0 नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको आप चाहें तो as it is ही leave कर दें, ये हो जाएगा आपका x of even square n, okay, now next, odd into odd आपने क्या पढ़ा था, odd into odd जो होता है आपका वो even होता है, तो even का summation तो 0 होगा नहीं, similarly अगर आप इसको देखें, यहाँ पर देखें अगर even into odd आपने क्या पढ़ा था, odd होता है, और odd का summation क्या होता है, 0, तो मतलब आपका ये term जो है last वाला वो 0 हो जाएगा, मतलब जब भी आप इसे solve करेंगे, expand करेंगे, तो सिर्फ start के 2 terms बचेंगे, क्योंकि even का square भी even होता है, and odd का square भी क्या होता है, आपका even ही होता है, clear है अच्छे से, तो ये points आपको दिमाग में रखने होंगे, clear है, now, एक और example मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, discrete time signal के लिए, suppose करिए आपका एक discrete time signal given है, x1n, okay, जो कि कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 1 पे 1, 2 पे 2, okay, and minus 1 पे minus 1, and minus 2 पर minus 2, एक और signal given है आपका, x2n, okay, जो कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है आपका 1 पे 1, ओके, 2 पे बना है ये 4, और 3 पे बना हुआ है ये 6, क्लियर है अच्छे से, और minus 1 पे बना है minus 1, minus 2 पे ये बना हुआ है minus 2, and minus 3 पे बना हुआ है ये minus 6, ओके, तो आप देख सकते हैं, जो x1n है और x2n है, ये दोनों ही सिग्नल आपके ओरिजिन के सिमेट्रिकल हैं, आप देख लीजिए, राइट साइड में x1n जितना पॉजिटिव है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में आपका सेम शेप उतना ही नेगेटिव है, ये आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर आप n की सारी वैल्यूज के लिए, दैट इज n की वैल्यू क्या-क्या है, -2 -1 1 एंड 2, टोटल 4 सैंपल्स है ना, अगर आप चारों सैंपल का एडिशन करेंगे तो क्या आंसर 0 आ रहा है, यस बिल्कुल 0 आ रहा है, देखिए एम्पलीट्यूड देखिए आप -2 -1 -3 होगा 1 plus 2 कितना होगा 3 दैट मींस x1n आपका क्या है ऑड सिग्नल है x2n को चेक करिए देखिए ये सिग्नल आपका ओरिजिन के सिमेट्रिकल है हम बड़े आराम से देख सकते हैं ठीक है अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप एक और काम कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए अगर आप सारे सैंपल्स का एडिशन ले लें तो 1 plus 4 5 5 plus 6 11 और यहां पर देखिए -1 -2 -3 एंड -6 -9 ठीक है ना तो आप देख सकते हैं यहां पर सारे सैंपल्स का एडिशन 0 नहीं होगा एक्चुअल में ये सिग्नल आपका सिमेट्रिकल था ही नहीं ठीक है ना मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया था कि कई बार हम क्या करते हैं कि शेप पर चले जाते हैं ठीक है ना और हम देखते ही नहीं कि एम्पलीट्यूड एक्चुअल में क्या है एम्पलीट्यूड देखिए यहां पर 1 पे 1 है 2 पे 4 है 3 पे 6 है -1 पे -1 ठीक था लेकिन -2 पे -4 होना चाहिए था -3 पे -6 भी बिल्कुल सही था तो ये सिग्नल एक्चुअल में आपका नाइदर इवन नॉर ऑड था ना तो इवन था ना ही ऑड था ये क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं आपके लिए यहां पर इस एम्पलीट्यूड को चेंज कर दूं और इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं ले लूं आपके लिए -4 तो ये सिग्नल आपका बन जाएगा अब ऑड सिग्नल क्लियर है अच्छे से तो ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने होंगे अब देखिए मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब भी आप ऑड इनटू ऑड करते हैं तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलता है इवन मिलता है मैंने आपको बताया था ये तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहां पर अब x1n into x2n परफॉर्म करूं ठीक है तो मुझे इवन सिग्नल मिलना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके ऑड हैं क्लियर है देखिए आप देखिए 1 पे क्या है x1n में 1 और यहां भी 1 पे 1 है तो 1 पे
दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 2 पर देखते हैं हम लोग, 2 पर आपका x1n पे क्या है, 2 है, x2n पे कितना है, 4 है, तो 4 into 2 क्या आ जाएगा, 8, क्लियर है, तो 2 पर आपका आ गया यहां पर 8। अब देखिए आप 3 पर, 3 पर x1n में 0 है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 into something आपका 0 ही होगा। सेम आप देखिए x1n -1 पर कितना है, -1 है, ठीक है, और x2n -1 पर कितना है, -1 है, तो -1 पर -1 into -1 कितना हो जाएगा, +1, ओके, तो आपका 1 -1 पर भी क्या आ जाएगा, आपका 1, ओके। नाउ अब आप देखिए -2 पर x1n कितना है, -2, और x2n कितना है -2 पर, -4, तो -2 पर कितना आ जाएगा आपका, 4 into 2, 8, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। आपको अब -3 पर देखने की यहां पर कोई नीड ही नहीं है क्योंकि -3 पर x1n क्या है आपका, 0 है, ओके। तो ये आप सिग्नल देखिए x1n into x2n, ये कौन सा सिग्नल है आपका, ये इवन सिग्नल है, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपकी हमेशा वेरीफाई होंगी जो मैंने आपको यहां पर लिखाई है, ओके। तो इस वीडियो को अभी मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। इवन एंड ऑड सिग्नल का जो बेसिक कंसेप्ट आज मैंने आपको बताया है, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इवन एंड ऑड सिग्नल का कंसेप्ट कंटिन्यू रखूंगा, बट वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए इवन एंड ऑड का कंसेप्ट, ओके। थैंक यू।